बड़ी खबर गोहाना से है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोहाना से खबर, जहां गांव भैंसवाल कला का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। अज्ञात लोगों ने गोली मारी है और गोलीबाजी की ये जो घटनाएं हैं बीते रोज काफी तेजी के साथ ये मामले सामने आ रहे हैं। तो गोहाना से फिलहाल ये मामला, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, गांव भैंसवाल कला का रहने वाला ये मृतक बताया जा रहा है। लेकिन कारण क्या रहे हैं, आखिर क्यों ये गोलीबाजी हुई है, अज्ञात लोगों ने गोली मारी है, अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। सुनील जिंदल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, अभी तक और क्या जानकारी मिल रही है? अज्ञात हमलावर थे, लेकिन अभी तक कुछ लिंक पता चल पाया है, कारण क्या रहे हैं? आपसे रंजिश थी या कोई और वजह? देखिए, अभी तक मामला यही सामने आया कि जो मृतक है पवन, इसकी आपसी गांव के जो कुछ लोगों के साथ जो आपसी रंजिश थी, रंजिश चली आ रही थी, जिसके चलते जो है पवन को गोलियां मारी गई है। देखिए, अभी तक जो बात सामने आई है, जो पवन है, पवन का बड़ा भाई ने 7 साल पहले सरपंची का चुनाव लड़ा था, उसकी भी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी तभी से जो है गाँव में दो पक्षों में रंजिश चली आ रही थी, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि उसके बाद जो है जिस परिवार के साथ रंजिश थी उनका आपसी मनमुटाव दूर हो गया था, रंजिश भी दूर हो गई थी। लेकिन अब जो है पवन की हत्या क्यों की गई है, किस कारण की गई है, ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल दो गांव के युवकों का नाम आया, जिसमें एक रोहित और एक बन्नी, दो गांव के युवकों की पहचान हुई है। तो अभी तक सामने यह आया कि 7 लोगों ने मिलकर जो है इसकी हत्या की है। करीब पवन को जो है 14 से 15 गोलियां मारी गई है। पवन जो है देर शाम अपने परिवार के साथ जो है खेतों में काम करने के लिए गया था, वहीं पर जो है दो बाइकों पर कुछ 5-6 साथ युवक आए, जहाँ पर तो जो है पवन को गोलियां मारी है। फिलहाल उनका जो है पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा दिया है, और जो मृतक है पवन के जो चाचा है कुलदीप के बयान पर जो है दो लोगों के खिलाफ, तो भाई ने रोहित और बन्नी जो गाँव के ही रहने वाले हैं, और उसके अलावा 5 अन्य जो लोग हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। लेकिन सुनील, इसमें अभी तक जो आरोपी हैं उनसे क्या पूछताछ हो सकी है? क्या उनसे भी जानकारी जुटाई गई है, उनसे पूछा गया है कि क्यों उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं या क्या कारण है? देखिए, अभी तक जिन पे आरोप लगे हैं रोहित और बन्नी, वो फरार बताए जा रहे हैं, और देखिए गांव के ही बैठवाल गांव के ही रहने वाले हैं। अभी तक जो बात पुलिस ये मान के चलती है कि आपकी रंजित परिवार जो पुरानी रंजिश है गांव की, उसके चलते जो है पवन की हत्या की गई है। हत्या कारणों का तो फिलहाल जब पुलिस मामला सुलझा लेगी या इनको सब पकड़ने आ जाएंगे, तभी पता लग पाएगा कि आखिर पवन की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, पूरे मामले में 3 टीमें गठित कर दी है, जिसमें एक CIA टीम भी है और सदर थाना पुलिस जो है कुछ 2 टीमें वहां की लगी हुई है। जांच के बाद ही जरूर इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस ने जरूर मामला दर्ज कर जो है सबका पोस्टमार्टम कराकर प्रिजनों के हवाले कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील इस पर जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता सुनील जिंदल, जो कि इस पूरे मामले को बता रहे थे, युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि जमीन विवाद इससे पहले इस मृतक युवक का जरूर हुआ था, लेकिन सीधे सीधे यहां पर लिंक नहीं बताया जा रहा है कि मौजूदा वक्त में जो घटना हुई है उसका सीधे कोई कनेक्शन हो। हालांकि पुलिस अभी संदेह के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है, और साथ ही साथ यहां पर जिनके ऊपर शक है उनकी फिलहाल उन तक पहुंचने की भी कोशिश की जा रही है, जैसे कि हमारे संवाददाता इसमें जानकारी दे रहे थे। लेकिन कारण असल में क्या रहे हैं वो भी एक बड़ा जांच का विषय है।